हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट वन एकेडमी। आप सभी का स्वागत है टारगेट द मैथ। डेली आपकी क्लास 11 बजे होती है और हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है अलजेब्रा। तो चलिएगा सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाएं और आज हम पार्ट नंबर 10 को कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 109 को हम देख रहे हैं। मेरे साथ अगर आप अनअकैडमी में अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे सब्सक्रिप्शन के साथ में तो जरूर जुड़े, आपको बहुत मजा आएगा। आपको हर एक चीज मिलने वाली है, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल, हर एक चीज के आपको मॉक टेस्ट, हर एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में आप कर पाएंगे। पूरा स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल सब आपको मिलेगा। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है। अब जैसे ही आप साहिल 10 लगाकर अप्लाई करोगे ना, अप्लाई करते ही आपको बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोड आप याद रखें, अनअकैडमी पर कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरा बिगनर टू एक्सपर्ट बैच चल रहा है, ये नया बैच है जो कि शुरू हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी अगर मेरे नए बैच से अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़िए मेरे दोस्तों, क्योंकि तभी तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, खुद को मजा आएगा और पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और पेपर जरूर हमारे पढ़ाने में से आता है। अच्छा, कल सुबह 9 बजे क्या होगा बताओ। हमारा जो टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है उसमें हमारा अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रहा है कल सुबह 9 बजे। तो सभी लोग मेरे साथ जरूर जुड़ जाना, सुबह 9 बजे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रहा है ना। सुबह 9 बजे प्रॉफिट लॉस शुरू हो रहा है कल, तो सभी लोगों को जुड़ना है। चलिए, ये 9 बजे वाली क्लास आज तो हो गई, अब आपको 3 बजे क्लास है। अब आपकी जो क्लास है वो 3 बजे है, कैच द मैथ। सभी विद्यार्थी उसमें आए, मजा आएगा आप लोगों को। साथ के साथ सुबह 9 बजे वाली क्लास हो गई है, 11 बजे चल रही है, 12:30 बजे जीडी का मॉक टेस्ट के साथ साथ मैं एग्जाम एनालिसिस भी करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो। 2 बजे आपका फाउंडेशन बैच होता है जहां पर मैं हम कंप्लीट पढ़ते हैं और 3 बजे आपका कैच द मैथ होता है CTM, है ना, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अच्छा भाई आज क्या होने वाला है सर, आज देख लीजिए जरा क्या होने वाला है। आज है 17th of November। आज मैं आपको 5 बजे 3 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, रिवीजन कराने वाला हूं 3 चैप्टर। रेशो आपका क्या कहते हैं आपका रेशो करवाने वाले हैं अपन, साथ के साथ आपके टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और भी प्रॉफिट एंड लॉस और भी जो चैप्टर्स हैं वो सारे कवर करवाएंगे। आज 3 चैप्टर होंगे शाम को 5 बजे वाली क्लास में। ये आप लोगों के लिए रिविजन सेशन चल रहा है, मैंने बोला था। हाँ चलिए, और 8 बजे रात को 8 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन और बोट में पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वादा किया, तो आज बुधवार है ना, आज वेनसडे है, तो ये पूरी प्लानिंग हमारी सेट रहती है। मैं हमेशा से बोल के चलता हूं आप लोगों को, तो तैयार रहिएगा आज 5 बजे शाम को और रात को 8 बजे तैयार रहना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो टारगेट 25 में से 25, मॉक टेस्ट नंबर 12 और एग्जाम एनालिसिस भी मैं अभी करवाऊंगा 12:30 बजे। ठीक है भाई, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के, मेरे साथ आप जुड़िएगा, है ना। आइए, तो अलजेब्रा में अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से, अलजेब्रा का अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैंने एक प्रश्न आपको दे दिया, वो प्रश्न कुछ यूं था कि x upon x square plus 5x plus 2 बराबर 1/6 है। तो आप मुझे बताइए x square plus 1 upon x square क्या होगा और ये कौन सा टाइप है, कोई आप में से बता सकता है क्या। जहां दिखता नहीं है बनाना पड़ता है, अब यहां दिख नहीं रहा है बनाना पड़ेगा भाई, चलिए बताइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर x को अब डिवाइड करते हैं तो ऊपर तो अपना निकल कर आएगा 1, अब जब x को डिवाइड कर दिया तो x 5 plus 2/x = 1/6। अब जब मैं इसको देख रहा हूं तो हमने जब x कॉमन ले लिया है ना, तो पूरी एक्सप्रेशन आपके सामने इस तरह से बन गई कि यार अब कैसे सॉल्व करें इसको। सॉरी, ये 2x² है ना, माफ कीजिए, तो 2x² है, तो 2x है, तो अगर मैं कहता हूं कि 1 upon 2
एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस पांच बराबर आपका एक बटे छह है, तो ये छह के बराबर करोगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का दो गुना ये एक के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे दो। सभी का यही आंसर आ रहा है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना हो गया, एक बटे दो हो गया। तो ये अगर x प्लस वन बाई एक्स अगर आपका एक बटे दो हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का टू, तो एक बटे चार माइनस का दो, तो चार दुनिया आठ है तो माइनस का सात बटे चार। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो माइनस का सात बटे चार आने वाला है, जैसा कि काफी सारे बच्चों का आपको देखने को मिल रहा है सही जवाब। ठीक है, तो दिखता नहीं है, बनाना पड़ता है उसी कॉन्सेप्ट पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये आपके सामने रखता हूं, आप बनाइए आंसर दीजिए मुझे। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर मान लो पांच के बराबर दे दिया, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है x की घात चार प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस का वन। बताइए सर क्या होगा इसका जवाब, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग। तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, नहीं आप एक्स का ही करो क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो एक्स का करोगे, एक्स का करोगे तो एक्स क्यूब रह जाएगा, वन अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस का तीन बटे एक बटे एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर पांच है तो एक्स क्यूब क्या होगा, पी क्यू माइनस का थ्री पी, यानी कि 125 माइनस का 15 हो गया, ये हो गया 110। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा 110 बटे एक्स प्लस वन बाई एक्स, पांच में से तीन गया तो दो। तो जो आपका राइट आंसर आ रहा है अगर वो 55 आ रहा है तो ही सही है, तो जिनका भी राइट आंसर 55 आ गया वही सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बनाएंगे आप, एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल। इसके अलग कॉन्सेप्ट पर रहने वाला है कि एक्सप्रेशन कैसा भी हो आपको इस तरह से वो लिख सकता है, एक्स प्लस एक्स इनवर्स बराबर आपका दो है। ठीक है, एक्स प्लस एक्स इनवर्स बराबर दो है, तो यहां पूछ लिया जा रहा है थ्री एक्स अपॉन एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार क्या होगा, बताओ उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार, फिर इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे चलते हैं अगले टाइप पर। तो ये आपको अगर दिख रहा है ना तो मैं देखकर ये कह सकता हूं सर ये एक्स है और ये वन अपॉन एक्स है और ये दो के बराबर है। तो अगर ये दो के बराबर है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि एक्स बराबर आपका एक होगा, और अगर आपका x बराबर अगर एक होगा तो x बराबर एक यहां रखने पर तीन एक माइनस चार प्लस का चार, तो यहां आ रहा है तीन। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है थ्री, थ्री विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आई बात समझ में आप लोगों को, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं अगला एक्सप्रेशन। और आज प्लीज सभी विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे हैं जो मुझे देख रहे हैं, आज शाम को 5 बजे अर्थमेटिक का रिवीजन होगा, रात को 8 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन और बोट, उनका आपको मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं कंसेप्ट, तो जुड़ना मत भूलो क्योंकि फिर मौके बार बार नहीं आते हैं ना, रिविजन हो जाएगा बस और कुछ नहीं है, आपको चीजें सीखने को मिलेंगी काफी सारी। तो आ जाना है ना टाइम पर, 3 बजे कैच द मैथ होता है, तो ये पूरी प्लानिंग आपकी सेट रहती है। और कल से सुबह प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा 9 बजे,
तो देखिएगा 2a प्लस 1 अपॉन 3a बराबर आपका क्या है 5 है सर। चलिए अगर मैं पूछता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5a अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 20a प्लस का 1 क्या होगा। हाँ हाँ अरे भाई देखो ये बोल रहे हैं सर मैच है। अब आप देख लो मैच होगा होगा लेकिन पढ़ना जरूरी है। 3 घंटे के मैच में 8 से 9 वैसे भी बोरिंग टाइम होता है। 9 बजे बाद थ्रिलर स्टार्ट होता है। मैच जितना तुम्हें पसंद है उतने उससे कई गुना ज्यादा मुझे पसंद है। लेकिन मैं अपनी महत्वपूर्ण चीजों को त्याग करने के लिए उससे महत्वपूर्ण चीज को चुनता हूं तुम्हें पढ़ाना, तो तुम्हें भी पढ़ना चाहिए आई थिंक। तुम्हारे लिए तो वो ज्यादा जरूरी है। मैं अगर ना भी लेता तो कोई बात ही नहीं चलती क्योंकि वो अब टाइम भी नहीं है अपना। लेकिन फिर भी हाँ सोचा करो थोड़ा कि होने दो मैच है तो है लेकिन उसका चक्कर ये थोड़ी पढ़ाई छूट जाएगी तुम्हारी। आइए तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा, अब फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलने वाले हैं। इसके बाद में 8 बजे अन अकेडमी पर होगा है ना। 5 बजे भी अपना 3 चैप्टर करवाने वाला हूं अर्थमेटिक के। 5 बजे भी है, 8 बजे भी है, 3 बजे भी है। सब अर्थ वहां पर अन अकेडमी पर है ना। चलिए तो यहां हम कैसे कहेंगे सर, तो ये हम ये कह सकते हैं डियर कि ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, तो क्या करूं। तो कभी कभार देखो दिख रहा है 6, तो इसको इससे गुणा करके देखो 6a स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 15a। अब मैं ये जानता हूं भाई कि अगर मुझे यहां 20 बनाना है ना तो इधर भी 20 ऐड करना पड़ेगा और इधर भी 20 ऐड करना पड़ेगा। कारण ये है कि ये एक्सप्रेशन अब ये पता लग गया और इसकी वैल्यू 35 है, तो 5a अपॉन 35a, तो ये आंसर आ गया 1/7 1/7। तो क्या हो गया सर 1/7 हो गया। ओके थैंक यू। चलिए आगे अब चलते हैं आगे है ना। अब चलते हैं आगे आगे अगला टाइप। अब देखना ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। अलजेब्रा आपकी टिप्स पर होगी और आप है ना मतलब नॉलेज ही आ रही है आप लोगों को। तो अक्सर आपने प्रश्न ऐसे देखे होंगे परीक्षा में कि ये प्रश्न आते हैं परेशान करते हैं एक्स बराबर रूट फाइव प्लस का 1 अपॉन रूट फाइव माइनस का 1। आप ये कहोगे सर सर्स और इंडाइसिस का है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि सर्स और इंडाइसिस भी इसी का ही तो पार्ट है अलजेब्रा का ही। तो यहां पर ये आप इसका हल दीजिए आंसर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 6। आप अगर जवाब दे सकते हैं तो जवाब दे दें मुझे फिर आगे चलेंगे। सर कल राजस्थान का कठपुतली वाली आपकी वीडियो मस्त लगी। हाँ जैकी सराफ नहीं टाइगर सराफ अमरेश पुरी कितने दिन हो गए थे आई। तो हम क्या करेंगे सर हम ये कहेंगे कि भाई x बराबर ये है तो रूट फाइव प्लस का 1 रूट फाइव माइनस का 1। तो रूट फाइव प्लस का 1 रूट फाइव प्लस का 1 मैंने परिमेयकरण कर दिया। इससे आंसर सही बन पाएगा क्या वो भी मैं चेक कर लेता हूं हालांकि मेरे को लगता तो नहीं है। हाँ तो मैंने देखा सर ये रूट पांच प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4। तो ये हो गया सर 5 + 1 प्लस 2√5/4। अगर आप वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया 6 + 2√5/4 यानी कि 3 + √5/2। एनी प्रॉब्लम माय डियर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो। चलिए तो यहां पर हम उसको पुट कर दें। अब करना पड़ेगा मैं क्या करूं और कोई चारा नहीं है। तो हमने जब इसको 3 + √5 का होल स्क्वायर किया 4 आया तो है ही और माइनस का 3
इंटू तीन प्लस रूट पांच बटे दो है और माइनस का छह है। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे दोस्तों तो क्या निकल कर आ रहा है, सर ए स्क्वायर नौ और पांच चौदह, प्लस छह रूट पांच बटे चार, माइनस तीन तिया नौ, माइनस तीन रूट पांच बटे दो, माइनस का छह। अब देखो क्या निकल कर आ रहा है, मैंने दो से काटा तो ये आया सर सात प्लस तीन रूट पांच, सात प्लस तीन रूट पांच बटे दो, सात बटे दो तीन रूट पांच बटे दो, ठीक है, माइनस नौ बटे दो, माइनस तीन रूट पांच बटे दो और माइनस का छह, ये कट गया, माइनस का छह और माइनस का एक, माइनस का सात जिसका भी आंसर आ रहा है वही सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा माइनस का सात होगा। तकलीफ होती है ऐसे प्रश्नों को बनाने में, इसकी मैं भली भांति परिचित भी हूं, लेकिन आपके सामने एक तरीका ये है और आपने इस तरीके से कर लिया। अब आप कहोगे सर मजा नहीं आया, मजा चाहिए सर। तो मजा कैसे आएगा, मैं जो ये टाइप लिख रहा हूं इसको लिख दीजिए सी एन डी। सी एन डी का मतलब क्या होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। दोबारा लिखो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये इतना बड़ा मतलब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो हम करते हैं। अब अलजेब्रा में एक टाइप आता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब उससे कैसे करेंगे, आइए चलिए सिखाता हूं फिर आगे की चीजें बताता हूं। हाँ आइए नेक्स्ट। अब यही सेम एक्सप्रेशन को मैं ऐसे सॉल्व करना चाहता हूं, रूट पांच प्लस वन, रूट पांच माइनस का वन, रूट पांच प्लस का वन, रूट पांच माइनस का वन, ठीक है। चलिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि भाई एक्स बटे एक लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकता हूं, रूट पांच प्लस वन रूट पांच माइनस वन लिख सकते हो ना, यस। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि डिनोमिनेटर को जोड़ दो, जोड़ दिया, डिनोमिनेटर को घटा दो, घटा दिया, वही काम यहां कर दो तो टू रूट फाइव और नीचे आ गया टू। तो यहां एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन आपके पास निकल कर आ गया रूट पांच, तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन बराबर आपका रूट पांच है दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन बराबर पांच, सही बात है, यस बिल्कुल सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन बराबर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का दस एक्स प्लस का पांच, सॉल्व करेंगे चार एक्स स्क्वायर माइनस का बारह एक्स प्लस का चार बराबर जीरो, यही आ रहा है ना। अपन को निकालना क्या है बॉस, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस छह, अपन को ये निकालना है। तो चार एक्स स्क्वायर माइनस का बारह एक्स प्लस चार, तो यहां मैं कह सकता हूं कि अगर मैं चार से डिवाइड कर दूं तो चार से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का वन बराबर जीरो आएगा। और हमारे को फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का छह। तो मैं क्या करूं दोस्तों, मैं यहां पर माइनस का छह बनाऊंगा तो माइनस का सात नहीं जोड़ूंगा क्या दोनों तरफ, हाँ आपका जो राइट आंसर आ गया वो माइनस का सात आ गया। कैसा लगा डियर बताओ, मजा आया, अच्छा लगा आप लोगों को, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इसे कहते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन को करने के अब दो तरीके हैं, और ये मैं सच बता रहा हूं ये हाँ टफ होते हैं क्वेश्चंस, पेपर में आते हैं ना तो लेंदी रह जाते हैं, लेकिन अब आपको आसान लगेंगे क्योंकि आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देना है
एक्सप्रेशन आएगा और सेम यही प्रोसीजर हर क्वेश्चन में बनेगा क्योंकि एग्जामिनर भी इसी के थ्रू बनाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है माय डियर। चलिए तो पहली बार में तकलीफें जरूर होंगी लेकिन उन तकलीफों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जल्दी ही। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, इसका जवाब अगर आप मुझे दे पा रहे हैं तो जल्दी से दीजिएगा और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। x बराबर 3√24 बटे √3 + √2, तो मुझे निकालना है x प्लस रूट आठ अपॉन एक्स माइनस रूट आठ प्लस एक्स प्लस रूट बारह एक्स माइनस रूट बारह, क्या आंसर आएगा बताओ, बता दो यार। ऐसे नाटक मत किया करो आप। सर इसमें से टाइम ज्यादा लगेगा दिवाकर, पहली बार हर चीज में टाइम लगता है, हर बार पहली बार देख रहे हो कॉम्पोनेंट हो डिविडेंड हो, तुम्हें लगता होगा ऐसे करना है ऐसे करना है, क्योंकि पहली बार आप रास्ता याद करते हो। अब जब दो तीन बार उस रास्ते से निकल जाते हो ना तो वो रास्ता आपको रट जाता है, फिर आप अंधेरे में भी कह देते हो भाई ये पत्थर है। तो यही है दिवाकर, पढ़ाई का भी यही नियम है ना। अब जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी सब उत्तर दे रहे हैं और सही दे रहे हैं, अच्छी बात, पता है क्या है, सही दे रहे हैं, गलत नहीं दे रहे। आपको पता होगा इसका जो सही उत्तर आता है वो दो आता है, लेकिन सर आपने जो बताया था वो तो दिख नहीं रहा है ए बी यहां 24। मैंने कहा दिखेगा बॉस, देखिए कैसे दिखेगा, तीन है। अगर आप रूट 24 को देखते हो तो आप इस रूट 24 को क्या लिख सकते हो, 6 × 24 है ना जे भाई ना, बात यही लिख सकते हो आप इसको। बोले ठीक है सर, यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि ये अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया गया है तो ये देखो इसको ऐसा लिख सकते हो आप 2√2 है ना, और इसको आप लिख सकते हो 2√3 तो आपको अब देखो ये रिलेशन पता लग जाएगा कि जैसे कि मैं अगर इसको लिखता हूं तो यहां पर मैं इसको 2√2 भी लिख सकता हूं, तो एक बार आप इसको अगर लिखोगे तो 6√2 और √3 भी लिख सकते हो और इसको 3/2 भी लिख सकते हो, तो 2√2 भी ले लिया मैंने और 2√3 भी ले लिया, तो इस तरह का आपका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे अगर मैं चर्चा करता हूं तो चर्चा का विषय, अच्छा यहां एक गड़बड़ है शायद, है ना, गड़बड़ क्या है, यहां 2 आएगा 3 नहीं है, हमने लिखने में गड़बड़ कर दी थी, यहां 2 आएगा, इसको 2 कर दो तभी सही लगेगा, नहीं तो फिर होगा नहीं ना। अब ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 2 आता है। ये अगला टाइप हो गया, हाँ समझ में नहीं आया 8 क्यों नहीं लिए, 8 को ही तो 2√2 लिखा है ना, 8 को ही तो 2√2 लिखा है, ये वही कंसेप्ट है 4AB वाला। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने बताया भी था, है ना, नोट्स खोल के देखो। अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं, उसका जवाब आप मुझे देना, √x + 2 प्लस √x - 2 अपॉन √x + 2 माइनस √x - 2 बराबर अगर 3/2 है तो चलिए बताइए आपका 12x क्या होगा। इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करिए मेरे सामने, लगाइए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। हाँ ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पूरा प्रूफ भी कराया था, क्या कराया था प्रूफ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के थ्रू, जब मैंने फॉर्मूले लिखाए थे याद करो,
है ना। चलिए अब यहां जब एक्सप्रेशन आप देख रहे हो तो ये क्या लगेगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपका लगेगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि आप इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि इसमें आप इसको जोड़ दीजिए, जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2 आएगा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 अंडर रूट x माइनस का 2। तो ये जो 2 से 2 कट जाता है, 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने क्या आया, अंडर रूट x प्लस का 2 और अंडर रूट x माइनस का 2 बराबर आ गया 5/1। x प्लस का 2 और x माइनस का 2 दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया 25/1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस का 2 25x माइनस का 50, तो 52 बराबर 26x, x बराबर आ गया 2, तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 24। तो जिसका भी आंसर 24 है वही सही है। क्या हो गया, हमसे कोई मिस्टेक वा हो गई क्या? आई थिंक ठीक है, ओके okay, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। सर पहले वाला 4 होगा, पहले वाला कौन सा, ये वाला नहीं, नहीं 2 ही होगा है ना, इसका 2 ही होता है। अरे x की वैल्यू 2 नहीं आ गई क्या? अरे यार माफ कीजिए, ये हो जाएगा 24x बराबर 52। तो x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 52/24, तो आंसर 26 होगा। मुझे लगा कट रहा है, 26 आंसर आएगा भाई, जिनका भी राइट आंसर 26 है वो सही है। आओ अगला क्वेश्चन करोगे ऐसा ही, है ना मजेदार, है ना, कुछ सीख रहे हो ना, तगड़ी वाली चीज, कुछ ऐसा अमेजिंग ऑसम। आइए सर, तो वही सिखा रहा हूं आपको मैं। अब अगला क्वेश्चन आप मुझे बना के बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये आपके सामने प्रश्न इस तरह से दे दिया मैंने, अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट सॉरी प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 बराबर 2 है, तो x क्या होगा अब बताएं आप। चलो आराम से सॉल्व करो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाकर। क्या करोगे सर, वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप x प्लस 4 को ऊपर लिखिए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इतना प्यारा मेथड है, x माइनस 4 को नीचे लिखिए। अब 2 से 2 को कट जाना है, यहां 2/1 है तो 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4 और ये हो गया 9/1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, एक्स प्लस 4 बराबर 9x माइनस का 36, तो 8x बराबर हो गया कितना 40, x बराबर 5। इस बार हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की, होप सो 5 आपका आंसर आ रहा होगा। बहुत बढ़िया यार, सीख रहे हो। हाँ ये चीजें हैं, ये मतलब अलग अलग तरीके की चीजें हैं जिन्हें आप सीख रहे हो खुद ब खुद।
ठीक है चलिए। और ये आते हैं पेपर में, फिर आप एक दूसरे की शक्ल देखते हो यार, कैसे होगा बता दे यार, है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जिसे मैं देता हूं आपको, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। वो तो नॉर्मल रेशो वाला है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे की तरफ हम प्रस्थान करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये स्क्वायर वाले मैंने नहीं कराए ना अभी आपको। अब वैल्यू पुट ले लेते हैं, चलो वैल्यू पुट लेते हैं आज, काफी दिन से इंतजार था, वो घड़ी आ गई। जैसे कि मान लो एक एक्सप्रेशन मैंने सबसे पहला, नेक्स्ट टाइप, सबसे पहला एक्सप्रेशन लिया मैंने, x माइनस टू का होल स्क्वायर y माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस z प्लस फोर का होल स्क्वायर, मैंने जीरो के बराबर कर दिया। तो आप मुझे बताइए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ये मेरा अब टाइप शुरू हो रहे हैं, अब आगे की जो अलजेब्रा है, हाँ चलिए आगे की जो अलजेब्रा है वो इस तरह से चलेगी कि हम क्वेश्चन के थ्रू चीजें सीखने वाले हैं बहुत सारी, ठीक है। आइए तो अगर मैं ये बोल देता हूं आपसे कि अगर कभी भी अगर होल स्क्वायर आ रहा है और उसके बीच में ऑपरेशन प्लस है या वहां प्लस है, तो आपके सामने अगर इक्वल टू जीरो है तो इंडिविजुअली वो जीरो के बराबर होंगे अंदर से, यानी कि x माइनस टू भी जीरो के बराबर होगा। तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे x बराबर दो, इसी तरह से y माइनस थ्री भी शून्य के बराबर होगा, इसी तरह से आप वैल्यू निकालोगे प्लस का तीन, इसी तरह से z प्लस चार भी आपका जीरो के बराबर होगा, इसी तरह से आप वैल्यू निकालोगे माइनस का चार, और आप उस वैल्यू को पुट कर दोगे मेरे दोस्तों यहां पर। अब जैसे ही आप उस वैल्यू को पुट करोगे तो दो का हो जाता है स्क्वायर चार, तीन का हो जाता है नौ और चार का हो जाता है सोलह। तो ये हो गया अंडर रूट उनतीस, आपका एक राइट आंसर आ गया अंडर रूट 29। तो रूट 29 आपका राइट आंसर हो जाता है। अब अगला इस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक एक तरीके से हम सारी चीजें करने वाले हैं दोस्तों। चलिए तो मेरे यहां पर कभी कभार ऐसा होगा आपके सामने कि आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का फोर ए प्लस का एट माइनस का फोर बी इज इक्वल्स टू जीरो। आपसे ये पूछता हूं मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, कैसे बताओगे बताओ। तो यहां आपको होल स्क्वायर दे दिया, लेकिन हमेशा से सोचो कि अगर यहां ए स्क्वायर आ रहा है बी स्क्वायर आ रहा है तो कुछ ना कुछ बना सकते हो क्या, आपको बनाना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू, है ना भाई, तो बनाना पड़ेगा भाई, है ना। तो बनाइए थोड़ा सा, देखते हैं आपको क्या आता है, या आता है या नहीं आता है, प्रश्न ये भी है। आइए तो सर हम ये देख पा रहे हैं कि अक्सर अगर हम देखते हैं ये ए स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर है और यहां माइनस का फोर ए है, तो आप जानते हो माइनस टू ए भी होता है, तो यहां टू एक्स्ट्रा है तो टू का स्क्वायर चार आ गया, अब हमेशा प्लस बी स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से बी स्क्वायर है, यहां माइनस का फोर बी है और यहां भी चार आएगा क्योंकि टू ए भी होता है तो टू का स्क्वायर चार, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी, मतलब जो भी टू का स्क्वायर है वो, और बीच में प्लस। तो क्या आपको ये नजर आ रहा है क्या, जो ये आठ था वो चार और चार में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये दोनों बंट गया, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, ये ए माइनस टू का होल स्क्वायर है और ये बी माइनस टू का होल स्क्वायर है बराबर शून्य। तो ए बराबर दो और बी बराबर दो, तो अब दो और दो मैंने रख दिया, दो दो का स्क्वायर चार, चार आठ, टू रूट टू आंसर आ रहा है, आई गेस टू रूट टू आपका सही जवाब होगा। ओके आओ अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगला एक्सप्रेशन बनाइए, आप देखते हैं कौन बनाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वाई माइनस का जेड इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस का थ्री। मुझे जवाब दे दो आप, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी क्या आंसर होगा, दीजिए करिए दिमाग लगाइए। वही स्क्वायर वाला केस क्या बनता है, ए बी एक्स सॉरी एक्स और बी एक्स और वाई है ना, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड क्या होगा बताओ भाई क्या होगा। अब सारे टाइप करेंगे एक एक करके, इसलिए शांति से बस देखते जाइए कि क्या अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आओ तो मैं कहता हूं सर देखो एक्स स्क्वायर है, माइनस का टू एक्स लेकर चल रहे हो और प्लस का वन चलेगा यहां, तो वाई स्क्वायर है प्लस का टू वाई लेकर चल रहे हो यहां भी प्लस का वन चल जाएगा, जेड स्क्वायर है प्लस का टू जेड लेकर चल रहे हो यहां भी प्लस का वन चल जाएगा इज इक्वल्स टू शून्य। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर y प्लस वन का होल स्क्वायर z प्लस वन का होल स्क्वायर, x की वैल्यू एक आ गई, y की वैल्यू माइनस का एक, z की वैल्यू माइनस का एक, देखते हैं उत्तर क्या आता है। x अपॉन y, y अपॉन z तो जीरो आंसर आएगा। तो जिनका भी आंसर जीरो आ रहा है वो हीरो हैं, ठीक है, जिनका भी आंसर जीरो आया वह सब हीरो बन गए। अब अगला एग्जाम्पल इसी बिहाफ पर आपके सामने रखता हूं, ये लीजिए। ऐसे आते हैं यार क्या करें बताओ, एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर b प्लस टू का होल स्क्वायर और c प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो जवाब दें 2a प्लस का 3b माइनस का 7c क्या होगा बताओ भाई। तो यहां पर भी देखो इनको जीरो के बराबर रखोगे तो a बराबर 1, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर माइनस का 1, हमने पुट किया तो ये आया 2a माइनस का 3 दुनी 6 प्लस का 7, यानी कि आंसर आ गया थ्री, नाइन में से सिक्स गया तो थ्री आपका राइट आंसर आया। चलिए आओ नेक्स्ट, आओ भैया अगला क्वेश्चन इस तरह से बन गया, मान लो थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। तो आप हमें बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा। सर ये पेपर में नहीं आता, ये पेपर में नहीं आता प्रवीण सिंह, हाँ नहीं आता प्रवीण, पढ़ोगे तभी तो आएगा, बिना पढ़े कैसे आएगा भाई, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं कि पेपर में तुम्हें आए ये। आज आपको पता है ना पूरा प्लानिंग, प्लानिंग क्या है अपना, प्लानिंग बहुत क्लियर है,
आज 3 बजे कैच द मैथ है, 5 बजे मैं पूरा 3 चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ, और रात को 8 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन और बोर्ड कराने वाला हूँ, ठीक है। और कल से प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे, तैयार रहना, आ जाओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं माइनस का 1/3 एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू है 3/2, पुट कर दो अंडर रूट 1/9, 1 9/4, छत्तीस, 4 36, 81, दस और 1 11, 2 10 और 3 कितना आ रहा है, 121/36। वाओ, मैंने तो सोचा भी नहीं था, 11/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर ये क्लास कब से स्टार्ट होता है, 11 बजे से, है ना। अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कई बार। आइए अगला एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही जवाब देंगे। अगर मान लीजिए इस तरह का एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, a प्लस 1/a प्लस का 2 बराबर, मान लीजिए 3 मैंने दे दिया, ऐसी दे रहा हूं, और कल को पूछ ले आपसे कि भाई a प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1/a प्लस 2 का होल क्यूब, तो कैसे निकालोगे यार, ये मतलब नॉर्मल बनाना होता है। अलजेब्रा के बाद अपन पढ़ाएंगे अगला चैप्टर, सीजीएल, सीजीएल के लिए है, आर्यन बिल्कुल है, अगर आप यहां पढ़ोगे और क्वेश्चन बनाओगे तो आपके बनेंगे, तो हो सकता है कि उसके लिए है ना? सर ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं क्या, आ सकते हैं अगर वो चौंकाना चाहे तो, हालांकि अर्थमेटिक पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोकस करता है, तो इसके बाद पहले क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे अपन, है ना। तो यहां मैं जाता हूं कि a प्लस 2 ले लो, और दोनों तरफ मैंने क्या किया, गणित के नियमों का उल्लंघन ना करते हुए दोनों तरफ 2 जोड़ दिया तो 5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा सर, पी क्यू प्लस का 3p या माइनस का 3p, तो 125 माइनस का 15, 110, 125 माइनस का 15, 110 आपका यह सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने आता है इस तरह से कि भैया x प्लस 1/x का एवरेज m है, x प्लस 1/x का एवरेज m है, तो बताइए एक्स स्क्वायर 1/x² का एवरेज क्या होगा बा? क्या एसएससी जीडी आज वाला एनालिसिस कब से होगा, 12:30 बजे क्वेश्चंस कराएंगे आज आपको हम, है ना, और वही पेपर में आने वाले हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हो डियर। अगर तुम पढ़कर जा रहे हो तो तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम पढ़कर नहीं जा रहे हो तो तब भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, अब तब तब से कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे। तो मेरा यही मानना है, तो चिंता मत करो, मैं पूरा एनालिसिस करवा दूंगा। और भैया परीक्षा में टाइम पर पहुंचना, ऐसा नहीं है कि कोई हमारा रिश्तेदार बैठा है वहां पर, वो घुसने नहीं देते अंदर, समझ रहे हो, बच्चा कमेंट कर करके परेशान हो रहे हैं कि यार सर हमें घुसने नहीं दिया,
तो मैंने कहा भाई अब कैसे होगा फिर बताओ, तो इसलिए आप अपने टाइम पर जाएं और पहले निकलें परीक्षा में, खाम होगा एक साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी तुम्हारे लेट पहुंचने से। देखिए तो एवरेज क्या है सर, एवरेज 2 होता है तो ये 2m के बराबर हो गया। तो आपने क्या किया, फॉर्मूला लगाया पी स्क्वायर माइनस का 2, ये क्या है, इसका सम हो गया ये बटे औसत। तो 4m स्क्वायर माइनस का 2 बटे 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 1। पांच बजे क्लास में मैं रिवीजन करा रहा हूं अर्थमेटिक, पूरी अर्थमेटिक का, आया करो। कल भी आए थे सब लोग, जिन्होंने आए थे वो सीखे, जो नहीं आए कुछ नहीं मिला, तो आज भी होगा है ना, अगले 3 चैप्टर होंगे और रात को 8 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन और बोट होगा, 3 बजे कैच द मैथ होगा, ऑलरेडी सब फिक्स है, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम आ ही नहीं पाते हो, जैसे कोई ताकत तुम्हें रोक रही है। चलिए अब क्वेश्चन के क्वेश्चन लगाइए सर, अब इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आ जाओ। आइए सर कैसे करेंगे, ए का डिवाइड करना है, ए माइनस 6 प्लस 1 बाई ए, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो बन गया ए प्लस 1 बाई ए बराबर 6। अब तो आपकी चलेगी गाड़ी, पी स्क्वायर माइनस का 2 ये हो गया 34, अब 34 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि ये हो जाएगा 1156 माइनस 2 1154, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करोगे, जो दिखता नहीं है बनाना पड़ता है, ए का डिवाइड किया, ए का डिवाइड करते ही गाड़ी चलती बनी हमारी, तो ए प्लस 1 बाई ए बराबर आपका 3 आ गया। तो क्या करोगे सर, पी क्यूब माइनस का 3p, तो 3 × 9 = 27 माइनस 3 × 9 ये हो गया 18। एक्स का डिवाइड कर दिया, माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0, तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर हो गया आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 14 बी। अब देखो वाह वाह, तो आपने देखा कि a इंटू ए माइनस 7 है, इसको इधर लेकर आ गए आप, आपने क्या किया इसको डिवाइड करवा दिया लो, तो a माइनस 7 माइनस 1 अपॉन a। अब आप भी जानते हो कि अगर मैं इधर लेकर आता हूं a प्लस 1 बाई 7 1 बाई a बराबर 7 हो गया, तो p स्क्वायर माइनस का 2 लगेगा तो 47 आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन कितनी मेहनत करनी पड़ी बनाने के लिए, तो वो मेहनत है वो करनी पड़ेगी भाई, ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि सामने आंसर दिख जाएगा हर क्वेश्चन का आपको, है ना, इतना भी मत, इतना भी वो नहीं है ना। अब जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि सिंपल सा है, आपको एक्सप्रेशन को बनाना पड़ता है कई दफा, तो ये 1 बाई ए निकाल सकते हो क्या आप, वाई नॉट, तो आप ये ऐसे लिखोगे और क्या, और आप इसके परिमेयकरण कर दोगे इसका। अब परिमेयकरण क्या कहता है सर, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो 3 − √2 ही आ रहा है, 9 में से 8 गया तो 1। अब आपको पता है कि a प्लस 1 बाई ए बराबर 6 आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस का 2, 34, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए वेल डन, अगला करिए। अब इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है, यहां अगर 1 बाई ए निकालोगे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ रहा है तो ये 7 + 4 √3 होगा, तो यहां से a प्लस 1 बाई ए निकालने में कदापि तकलीफ नहीं होगी, 14, तो अगर ये 14 आ गया तो क्या होगा, 14 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 194, ऑप्शन नंबर बी आ। चलिए आइए वही
वन अपॉन ए कितना होगा, थ्री माइनस रूट ए होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एक आ रहा है तो डायरेक्टली कॉन्जुगेट बन गया। तो यहां से ए प्लस वन बाई ए कितना हो रहा है, तीन और तीन और तीन छह, उसका स्क्वायर कर दो 36, 36 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखो ये दिखता नहीं है ना, a का डिवाइड किया, a प्लस वन बाई ए बराबर एक है, तो a क्यूब बराबर क्या होता है माइनस का वन, याद करिए वही थ्योरम वही प्रॉपर्टी, आपको मैंने सब दे रखी है जायदाद। आइए सर इसको क्या करेंगे, सर इसको 4x बराबर माइनस का 2y, तो x अपॉन y विल बी माइनस का 1 बाय 2, स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा सर 1 बाय 8, 4 दुनिया 8 a। नेक्स्ट कैसे करोगे भाई बताओ, देखिए अब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर आपका कितना था 1 बाई 2 था, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब कितना होगा आप बताएं, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, तो ये होगा p क्यूब प्लस का 3p, तो ये हो गया सर 1 बटे 8 प्लस का 3 बटे 8 नहीं 3 बटे 2 बटे ना, तो ये हो गया 4 से गुणा किया तो 13 बटे 8, ऑप्शन नंबर बी 13 बटे 8, क्लियर है। नेक्स्ट बहुत बढ़िया यार ये तो उड़ा दिया तुमने, अरे वाह गजब, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं सर a माइनस 1 की वैल्यू देखता हूं, इधर 10 ले आया तो 10 प्लस 3 रूट 11 यही ना, हाँ भाई यही है। अब क्या एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं आप बताइए, आपके जवाब क्या आ रहे हैं, भाई 10 प्लस 3 रूट 11 है तो कंजुगेट बताओ, तो आप यहां नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मैं 1 अपॉन a माइनस 1 निकाल देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 रूट 11, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्री कर रहे हो क्या, अरे बोलो यार बोल दो ना, ठीक है सर गुरुजी मजा आ गया ठीक। तो मैंने कहा भाई अगर आप इनको ऐड कर लेते हो, यानी कि a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, अगर मैं इनको ऐड करवा दूं तो ये 20 हो गया, और अगर मैं कहता हूं कि ये अगर बन रहा है तो ये इससे बन सकता है, यानी कि अगर ये p है तो ये p स्क्वायर प्लस का 2 होगा, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहा है, ये 20 के बराबर होगा, तो p की वैल्यू हो गई अंडर रूट 18, तो 3 रूट 2, कैसा लगा सच बताना, मजा आया नहीं आया भाई, a माइनस 1 है, मैंने a माइनस 1 क्योंकि निकालना पड़ा a माइनस 1, फिर 1 अपॉन a माइनस 1 क्योंकि कॉन्जुगेट है, दोनों को जोड़ दिया 20 आ गया। अब ये अगर 20 आ गया एक्सप्रेशन, मुझे पता है कि ये रूट वाले से ही बना होगा, तो अगर वो p है तो माइनस से प्लस में p स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 20 वैल्यू आ गई, मजा आ रहा है भाई, खींच के लाइक करो, मैंने बोला ही नहीं आज तुमसे और तुमने किया भी नहीं, कितने कितने साधारण से स्टूडेंट्स हो ना, आज्ञाकारी पूरे। अब यहां देखिए सर आप x माइनस 3 कर लीजिए दोनों तरफ, तो यहां दोनों तरफ अगर माइनस 3 करता हूं तो ये 2 आ गया, अब 2 आ गया तो बस p क्यूब प्लस का 3p हो जाएगा और क्या 14,
सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, ये भी कर सकते हो, x माइनस टू किया दोनों तरफ और फिर से देखो अब क्या क्या बन गया, ये दो बन गया, तो दो बन गया इसका मतलब दो ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि वन और वन होता है, ये वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन। अब यहां से अपन कल करेंगे, हालांकि कर सकते हो आप, एक दो तीन चार पांच छ और ये वाली फाइल भी अपन करेंगे कल, ठीक है। हाँ तो ऑलमोस्ट अपना अलजेब्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो गए हैं, अब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, है ना। अब दो तीन सेशन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमने पूरे खत्म कर लिए हैं, अब क्वेश्चन क्वेश्चन पे बात आएगी। अब आगे मैं डिस्कस करता हूं, तो 12:30 बजे अपना मॉक टेस्ट होगा ही और एग्जाम एनालिसिस की भी चीजें बताएंगे कल। सुनो, कल टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है ना 9 बजे, कल प्रॉफिट लॉस शुरू हो रहा है तो टाइम पर आ जाना, सब लोग 9 बजे लाइव आ जाना, है ना। हाँ मजा आएगा, टेस्ट में ही मजा आता है, फिर बाद में नहीं होती चीजें। 3 PM आपका कैच द मैथ होता है, रेगुलर रहो उसमें। 9 बजे 11 बजे अलजेब्रा अपना चल रहा है, 12:30 बजे GD, 2 बजे मेरा फाउंडेशन बैच है, पेड बैच है, जो ज्वाइन करना चाहता है 0 लेवल से तो ज्वाइन करे, 3 बजे कैच द मैथ होगा। आज क्या होने वाला है सर, आज शाम को 5 बजे और रात को 8 बजे अंक गणित का रिवीजन होगा, 3 चैप्टर कम से कम मैं इसमें कराने वाला हूं कल की तरह, तो शाम को 5 बजे जुड़ना ना भूले। और रात को 8 बजे क्या होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन और बोट, कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट है ना। हाँ ऑफलाइन नहीं, लाइव लेनी है क्लास, है ना, ये लाइव लेनी है सारी क्लासेस, मैं बता रहा हूं ना, समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, बात की बात हो जाती है फिर। ये भी लाइव लेनी है और ये भी लाइव लेनी है, तो मौजूद रहें मेरी क्लासेस में, बाकी क्लासेस आप देखें कैसे भी, लेकिन मैथ्स में लाइव रहें। बिगनर टू एक्सपर्ट बैच रहता है आपका, फाउंडेशन बैच चल रहा है 2 बजे, नया बैच है, आज ही ज्वाइन करें, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर SSC एग्जाम्स पर जाएं या सब्सक्रिप्शन पर जाएं, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर आपको जुड़ना है, बेनिफिट्स मिल जाएंगे सारे, है ना। जैसे डिस्काउंट मिलेगा आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ में, और यही कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, बेनिफिट्स मिलेंगे, आस्क के डाउट फीचर, रेज हैंड फीचर, सब कुछ मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों तक, और टेक केयर, लव यू ऑल। 12:30 बजे GD का पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।